ये दिखने में छोटा बैग है बट इसमें बहुत सारी चीजें आ जैसे जा रहे हो ऑटो से जा रहे हो आपका दिल खुश हो जाएगा। टेस्टिंग होती है आप कुछ भी खा लो आपके लिप्स पे सी सबसे पहले कॉम्पैक्ट में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ व्हाट्स इन माय बैग। इस टाइप की वीडियोस मुझे देखना बहुत ज्यादा पसंद है औरों की, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ व्हाट्स इन माय बैग देखना, का फूड चैलेंज देखना। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या होता है। वैसे तो मैं बहुत कम बैग ले जाती हूँ, मैं बहुत ज्यादा बड़े बैग भी पसंद नहीं करती हूँ ले जाना। तो यस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है देखने में कि मेरे बैग में क्या क्या होता है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे आपको तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। जो बैग देख रहे हो आप, ये भी मैंने मीशो से लिया था, मैंने इसका पूरा हॉल शेयर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये मैंने कुछ 600 रुपीज का बाय किया था वहां से मीशो से। इस बैग में बहुत ही अच्छे ये हैंडल दिए हुए हैं ताकि जब मुझे ऐसे कैरी करना हो तो मैं इसको ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ। इसका साइज भी देख सकते हो आप, परफेक्ट है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है डा मिलानो। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। पहले हम ये फर्स्ट वाली चेन खोलेंगे, इसमें मैंने क्या रखा है देखते हैं। तो ये मैंने फर्स्ट चेन खोल ली है, मैंने रखा है ये वाला पाउच। मैं ज्यादातर मेकअप ऐसे कैरी करना पसंद नहीं करती हूँ अपने साथ में, बट अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं इसमें रखती हूँ। इसमें है जी सबसे पहले कॉम्पैक्ट, मेबलिन का कॉम्पैक्ट है ये। सो ये फर्स्ट है मेरा कॉम्पैक्ट। इसके बाद जी ये है काजल, ये लैक्मे का काजल है। मैं काजल पेंसिल भी हमेशा अपने पास रखती हूँ क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ जो काजल के बिना नहीं रह सकती, मेरे को काजल लगाना ही होता है। और अगर मैं नहीं लगाऊंगी ना काजल तो हर कोई कहता है कि आप बीमार लग रहे हो, आप बीमार लग रहे हो इसलिए। इसके बाद ये है एक DIY टिंट मैंने बनाया था, ये मैंने खुद ही ने बनाया था। इसको मैंने वैसलीन और लिक्विड लिपस्टिक से बनाया था। सो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इसको लिप्स पे लगा लेती हूँ, मैं इसको एज अ लिप बाम लगा लेती हूँ, मैं इसको लिप एंड चिक टिंट की तरह लगा लेती हूँ। मैं हमेशा अपने बैग में रखती हूँ ये वाली लिपस्टिक, इनसाइड कॉस्मेटिक्स की लिपस्टिक। और इसका जो शेड है गाइज वो है शुगर प्लम्प, और ये ना बहुत अच्छी लिपस्टिक है। अगर आप लोग अफोर्डेबल लिपस्टिक देख रहे हो जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और आपके बजट में भी हो ना, तो ये वाली लिपस्टिक आप लोग बाय कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें एक ही शेड लिया था ये शुगर प्लम्प, मैंने अभी और 2-3 शेड इसके ऑर्डर किए हैं क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला और हर चीज मुझे इसकी इस लिपस्टिक की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। लॉन्ग लास्टिंग होती है, आप कुछ भी खा लो आपके लिप्स पे से ये कहीं भी नहीं जाती, हमेशा रखती हूँ। तो मैं अभी चीजों को वापस से डाल देती हूँ, ठीक है। तो ये होता है जी मेरे मेकअप पाउच में। इसके अलावा मेरे बैग में होता है हेयर क्लचर, बालों को बांधने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, सो इसलिए एक हेयर क्लचर रखती हूँ मैं अपने पास में, ये हो चाहे कोई भी हो, अभी तो ये वाला है। सो ये होता है, पहले कंपार्टमेंट में देखते हैं क्या मिलता है। तो सो इसमें भी कुछ 4-5 चीजें निकली है। तो इसमें मिला है जी एक मिनी परफ्यूम है स्किन बाय टाइटन का, इसको देख सकते हो आप मैंने कितना ज्यादा यूज किया हुआ है। इसकी स्मेल ना गाइस बहुत ज्यादा अच्छी है, फ्लावरी सेंट है इसकी। अगर आप लोगों को फूलों वाली खुशबू अच्छी लगती है ना तो आप ये वाला परफ्यूम बाय कर सकते हो, ये सिर्फ 500 रुपए का आता है। पहले आप इस साइज का लेके देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बड़ा वाला लीजिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप इसको स्मेल करोगे तो। उसके बाद है जी ये मेरा सनग्लासेस और इसके अंदर ये हेयर बैंड निकला है, तो रैंडम सी चीज है, हर लड़की के पास एक हेयर बैंड तो होता ही है। ये सनग्लासेस जो कि मैंने बाय किए हैं अभी रिसेंटली, और इसमें मेरी रिंग लाइट भी दिख रही होंगी आपको। ऐसे तो मैं ज्यादा सनग्लासेस नहीं लगाती हूँ लेकिन अभी इतनी ज्यादा धूप हो रही है उसके लिए मैं ये वाला कभी कभी रख लेती हूँ अपने बैग में। इसके बाद निकला है मेरे बैग में से ये हेडफोन, और मैं अपने हेडफोन बहुत जल्दी घुमा देती हूँ इसलिए मैं हमेशा उसको ऐसे एक पाउच में रखती हूँ। फोन की तो मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है गाइस। आप बस से जा रहे हो, ऑटो से जा रहे हो और आपके आजू बाजू कोई ऐसा है जिसको नहीं आप डिस्टर्ब करना चाहते, आप कुछ सुनना चाहते हो, लंबा सफर है तो आपके पास में हेडफोन होना जरूरी है। आप फोन पे बात कर सकते हो, आप इससे मतलब वीडियोस देख सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, इसकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोन भी होता है लेकिन उसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो मैं आपको नहीं दिया। दोनों तो हो गए मेरे कंपार्टमेंट खाली, और इसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें दिखा देती हूँ कि मैं क्या रखती हूँ। देखिए इसकी चेन मैंने खोल ली है और इसमें है जी मेरा वॉलेट और बस और कुछ नहीं है मेरे बैग में। मेरा बैग पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ये दिखने में छोटा बैग है बट इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है गाइस। ये मेरा बहुत पुराना वॉलेट है और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी है, मेरे बैग में हमेशा यही वाला वॉलेट होता है। इसकी हालत से आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा पुराना हो गया है, बट फिर भी मेरे को अच्छा लगता है कभी कभी, तो मैं सिर्फ अपना वॉलेट और फोन लेके बाहर चले जाती हूँ। इसमें ना छोटा सा क्यूट सा बेयर बना हुआ है, देख भी सकते हो आप, और बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये। ये एक मिरर है, इसमें भी से जाती हूँ
सो मुझे लाइसेंस कैरी करना होता है, सो ये होता है मेरे वॉलेट में। गाइस इतनी चीज़ें होती है मेरे बैग में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इन्जॉय किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं वापसी अपने अगले वीडियो में। बाय।